दोस्तों मैं कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, दुर्योधन कब मिट पाया भाग 8। षट शकुनी से कुटिल मंत्रणा, षट शकुनी से कुटिल मंत्रणा करके हरने को तैयार, षट शकुनी से कुटिल मंत्रणा करके हरने को तैयार। दुर्योधन समझा था उनको एक अकेला नर लाचार, दुर्योधन समझा था उनको एक अकेला नरलाचार। उसकी नजरों में ब्रजनंदन, उसकी नजरों में ब्रजनंदन राजदंड के अधिकारी, उसकी नजरों में ब्रजनंदन राजदंड के अधिकारी। भीष्म नहीं कुछ कह पाते थे उनकी अपनी लाचारी, भीष्म नहीं कुछ कह पाते थे उनकी अपनी लाचारी। धृतराष्ट्र विदुर जो समझाते थे उनका अविश्वास किया, धृतराष्ट्र विदुर जो समझाते थे उनका अविश्वास किया। दुशासन का मन भय कंपित उसको यूं विश्वास दिया, दुशासन का मन भय कंपित उसको यूं विश्वास दिया। जिन हाथों संसार फला था, जिन हाथों संसार फला था उन हाथों को हरने को, जिन हाथों संसार फला था उन हाथों को हरने को। दुर्योधन ने सोच लिया था ब्रजनंदन को धरने को, दुर्योधन ने सोच लिया था ब्रजनंदन को धरने को। नभ पे लिखने को लकीर कोई लिखना चाहे क्या होगा, नभ पे लिखने को लकीर कोई लिखना चाहे क्या होगा। हरि पे धरने को जंजीर कोई रखना चाहे क्या होगा, हरि पे धरने को जंजीर कोई रखना चाहे क्या होगा। दीप्ति जीत ही जाती है वन चाहे कितना भी घन हो, दीप्ति जीत ही जाती है वन चाहे कितना भी घन हो। शक्ति विजय का ही होता है चाहे कितना भी घनतम हो, शक्ति विजय का ही होता है चाहे कितना भी घनतम हो। दुर्योधन जर बुद्धि हरि से लड़कर अब पछताता था, दुर्योधन जर बुद्धि हरि से लड़कर अब पछताता था। रौद्र कृष्ण का रूप देखकर लोमर सा भरमाता था, रौद्र कृष्ण का रूप देखकर लोमर सा भरमाता था। राजकक्ष में कृष्ण खड़े जैसे कोई पर्वत अड़ा हुआ, राजकक्ष में कृष्ण खड़े जैसे कोई पर्वत अड़ा हुआ। दुर्योधन का व्यूह बद्ध दल बल अत्यधिक डरा हुआ। देह ओज से अनल फला आंखों से ज्योति विकट जली, देह ओज से अनल फला आंखों से ज्योति विकट जली। जल जाते शूर कक्ष में द्युति निकट ऐसी जली। प्रत्यक्ष हो गए अंधक तक्षण ऋषि वंश के सारे वीर। वसुगढ़ सारे उर उपस्थित लेकर सारे तर्कस्ते। तो दोस्तों ये थी मेरी कविता दुर्योधन का मिट पाया का 8वां भाग, और आप लोग अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में मुझे अवगत कराएं और लाइक भी करें। आप सब लोगों ने इस कविता को सुना, इसके लिए मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ।